लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। चीन और पाकिस्तान नहीं बल्कि इस छोटे से देश ने भारत पर किया कब्जा। इम्फाल म्यांमार की सीमा से सटे मणिपुर जिले के कलेक्टर ने रविवार को कहा कि भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया गया है और उन्होंने सीमा के सीमांकन खंभे के स्थान को प्रमाणित करने वाली एक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। टिंगनौपाल के कलेक्टर एटोम्बी कांता ने बताया कि क्वाथा खुनौ गांव के निवासियों की शिकायत आने के बाद वे सत्यापित सीमा स्तंभों की वास्तविक जगह की पहचान कर रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि स्तंभ सीमा क्षेत्र संख्या 81 गांव के अंदर स्थित है, जो भारतीय क्षेत्र के 3 किलोमीटर अंदर पड़ता है। उन्होंने कहा कि 22 मई के बाद जिस दिन से उन्हें टिंगनौपाल में तैनात किया गया है, तब से वे राज्य के गृह विभाग के दबाव में हैं। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वह इस पर हस्ताक्षर करें, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई विवाद नहीं है। टोम्बी कांता ने कहा कि हालांकि दस्तावेज में सीमा स्तंभ संख्या 81 का जिक्र है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सरकार को यह भी सुझाव दिया है कि सीमा स्तंभ संख्या 82 और 83 के जगह की भी जांच की जाए। क्वाथा खुनौ के निवासियों का कहना है कि सीमा स्तंभ संख्या 81 और अन्य उपस्तंभ गांव के भीतर स्थित हैं और उन्होंने दावा किया कि उन्हें नई सीमा की स्थिति की कोई जानकारी नहीं है।